हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपा कुमारी। आई एम एन एलएफ ऑफ कुशल युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर लखीसराय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कम्युनिकेशन स्किल के तहत आज का हमारा टॉपिक है ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी को संदेश भेजना या फिर डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आज के इस मॉडर्न एज में प्रोफेशनली ईमेल का यूज सर्वाधिक होता है या रिटन कम्युनिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। परंतु जब हम किसी को मेल करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ईमेल एटिकेट्स यानी कि ईमेल शिष्टाचार को सीखने की जरूरत है, ताकि जब हम प्रोफेशनली किसी को ईमेल करें तो उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। साइंटिस्ट मानते हैं कि ईमेल हमारी पर्सनैलिटी या बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। तो आइए सीखते हैं कि हमें ईमेल करते वक्त किन ईमेल मैनर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला है हमारा स्टार्ट विथ ग्रीटिंग्स। हम जब किसी को मेल करते हैं तो उसके मेन मैसेज को ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ग्रीटिंग्स के लिए प्रॉपर सैल्यूटेशन का यूज करना चाहिए, जैसे कि हेलो सर, हेलो मैम, हाय अमित, या फिर डियर सर, डियर टीम मेंबर्स। इस तरह से हमें ईमेल में ग्रीटिंग से शुरू करना चाहिए। ग्रीटिंग करने से हमारे एटिकेट्स का पता चलता है और हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव होती है। सेकेंड है हमारा सब्जेक्ट लाइन शुड बी क्लियर। किसी भी ईमेल को भेजते वक्त उसका सब्जेक्ट लाइन जरूर मेंशन होना चाहिए। हमारे पास रोज बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जिसके सब्जेक्ट से ही हमें पता चलता है कि कौन सा ईमेल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो ईमेल, जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो उसका सब्जेक्ट लाइन क्लियर होना चाहिए, जिससे हमारे ईमेल्स को पढ़े जाने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। अपने ईमेल में शॉर्ट फॉर्म का यूज करने से बचें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने ईमेल्स के लिए जिस शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है आपके ईमेल रेसिपिएंट्स को भी उसका सेम मतलब पता हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके बीच की गलतफहमी बढ़ेगी, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स का यूज ना करें। नेक्स्ट है हमारा रिप्लाई एवरी वैलिड ईमेल्स। आपके पास जितने भी ईमेल्स आते हैं जिसका रिप्लाई करना जरूरी है, उसका रिप्लाई जरूर करें। हमेशा पोलाइटली रिप्लाई करें। कभी भी अपने रिप्लाई में गलत शब्द का यूज ना करें, क्योंकि ईमेल में आपके लिखने के तरीके से ही आपकी बिहेवियर का पता चलता है। इसीलिए पोलाइट शब्दों का यूज करें और अपनी ईमेल को कभी भी गुस्से में रिप्लाई ना करें। अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम आप ईमेल का रिप्लाई करने से बचे। उस टाइम आप ईमेल को अपनी ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और फिर जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद अपनी ईमेल को सेंड करें। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ रीडिंग। सेंड बटन पे क्लिक करने से पहले एक बार अपने ईमेल की प्रूफ रीडिंग जरूर करें कि आपने उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर या फिर ग्रामर एरर नहीं किया है, क्योंकि अगर आपकी ईमेल में किसी भी तरह का कोई एरर निकलता है तो उससे आपको केयरलेस या फिर अनएजुकेटेड समझा जा सकता है। तो इसलिए ईमेल को भेजने से पहले एक बार उसको प्रॉपरली चेक जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा एड योर सिग्नेचर। अपने प्रत्येक मेल में अपने सिग्नेचर को ऐड जरूर करें। आप प्रत्येक ईमेल के लिए इसे ऑटोमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर में ये चीजें जरूर होनी चाहिए: आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, ताकि आपके ईमेल रेसिपिएंट्स आपको इजीली कांटेक्ट कर सके। प्रोफेशनली ईमेल करते वक्त इमोटिकॉन्स, बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कैपिटल लेटर या फिर किसी तरह के फन या ह्यूमर का यूज ना करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी को सीरियस नहीं लिया जाएगा और इससे आपकी इम्प्रेशन खराब होगी, तो ऐसा करने से बचे। उम्मीद है कि आज के इस ईमेल कम्युनिकेशन के सेशन में आपने ईमेल एटिकेट्स को अच्छे से सीख लिया होगा और आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को प्रोफेशनली ईमेल करेंगे तो इस टिप्स को फॉलो करके अपने ईमेल को इम्प्रेसिव जरूर बनाएंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि जब कभी वो किसी को प्रोफेशनली ईमेल करे तो उनसे भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।